हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से विक्ट्री इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिला पुलिस बद्दी के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पीर स्थान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मचारियों ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नालागढ़ डिपो की ओर से जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष महेश कुमार बे एचपीसीएल के मुख्य डिपो प्रबंधक गोपाल दास ने बताया कि शिविर के दौरान एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बे एचपीसीएल के कर्मचारियों के साथ मिलकर वाहन चालकों को जागरूक किया। और हर साल की तरह जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे साथ एनजीओ बिनो से है और एसपी साहब पधार रहे हैं। और आपको पता होगा हर साल को 1.5 लाख के करीब सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं और कई सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं या अपाहज भी हो जाते हैं, तो इसी को अवेयरनेस करने के लिए हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। सड़क यातायात सुरक्षा ये एक विधि अनुसार एक प्रयोग है लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो है लोगों की तेज रफ्तारी और गलती से वाहन को चलाना। दूसरा कारण ये है कि गाड़ियों को एक दूसरे से ज़्यादा गति में चलाना। और तीसरी प्रकार की जो मृत्यु का कारण ये है कि दो पहिया वाहनों को लोग जो हैं वो बिना यातायात नियमों को की पालना किए हुए चलाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। इसमें दो पहिया वाहन चालकों की सबसे बड़ा मृत्यु का कारण ये है कि बिना हेलमेट के वाहन चलाना। आज हमने यातायात के बारे में सब लोगों को जागरूक किया है, उनको यातायात संबंधी नियमों को बताया है, उसके संबंधित सामग्री उनको दी है और कम से कम 25 लोगों को निःशुल्क हेलमेट भी प्रदान किए हैं।